Apart from the size of their grains and components, soils are also described on the basis of their age. खाली उनके जो grains हैं या उनके components हैं, उनके size को देखकर ही नहीं, soils को जो है उनकी age के आधार पे भी describe कर सकते हैं. According to the age, alluvial soils can be classified as old alluvial and new alluvial. अब एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एल्यूवियल सॉइल्स को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, ओल्ड एल्यूवियल यानी बंगर और न्यू एल्यूवियल यानी खादर. द बंगर सॉइल हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर. जो बंगर सॉइल होती है उसमें जो है कंकर ज्यादा होते हैं बजाय खादर के. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बंगर. खादर जो है उसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो कहीं ज्यादा फर्टाइल होती है बंगर के मुकाबले. एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. वैसे एल्यूवियल सॉइल्स जो है अपने आप में काफी फर्टाइल है. मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम व्हिच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स. ज्यादातर जो सॉइल्स है इसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिल जाएगा, जो कि एक आइडियल माना जाता है कि अगर हम गन्ने की, पैडी की, व्हीट की या अदर सीरियल्स और पल्स क्रॉप्स की खेती करते हैं तो उनके लिए. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. इसी वजह से क्योंकि इसकी fertility इतनी ज़्यादा है कि जो regions हैं जहाँ पे यहाँ alluvial soil मौजूद है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पर population भी बहुत ज़्यादा है. Soils in the drier areas are more alkaline and can productive after proper treatment and irrigation. जो soil drier areas में यानी जो सूखे इलाके होते हैं वहाँ पर भी जो soil होती है वो काफ़ी alkaline होती है और इस वजह से उसको productive बनाया जा सकता है अगर उसका proper treatment और irrigation किया जाए. Next आती है black soil. These soils are black in color and are also known as the regular soils. ये soil जो है काली होती है color में और इसको regular soil बोलते हैं. Black soil is ideal for growing cotton and is known as the black cotton soil. Black soil जो है बहुत perfect है cotton को खेती के लिए और इसीलिए इसको black cotton soil भी कहा जाता है. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of the black soil. ये माना जाता है कि एक तो climatic conditions साथ ही साथ जो rock material है, main जो parent rock material है वो बहुत important factors हैं किसी भी black soil के formation के लिए. This type of soil is typical of the Deccan Tract region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. इस तरह की जो soil है वो आपको Deccan Tract basalt region में मिल जाएगी पूरे northwest Deccan Plateau पे और ये जो है लावा के द्वारा जो है बह के आती है उससे बनी है. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast directions along with the Godavari and the Krishna valleys. ये जो ब्लैक सॉइल है ये प्लेट्यूज ऑफ जो क्या कहते हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेट्यूज है उनको कवर करती है. साथ ही साथ जो है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है गोदावरी और कृष्णा वैलीज का उसके अलॉन्ग भी जो है फैस दी गई है. द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटीरियल. ब्लैक सॉइल्स जो है बहुत ही फाइन क्ले मटीरियल होता है उससे बनी होती है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इनके ये इसलिए और ज्यादा जानी जाती है क्योंकि इनमें कैपेसिटी यानी ताकत होती है कि ये नमी को सोख सकें. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैंगनीज, पोटेशियम एंड साथ ही साथ इनमें बहुत अच्छे जो है सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है और लाइम है. दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स और इनमें जो है फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर व्हिच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. ये क्या होता है कि तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इनमें क्रैक्स बहुत गहरे गहरे क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं जिससे सॉइल का एक एरिएशन है वो प्रॉपरली किया जा सकता है. उसमें काफी मदद मिलती है. दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइम इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड. ये सॉइल जो है इतनी स्टिकी होती है, इतनी ज्यादा चिपचिपी होती है, जब गीली होती है इसमें काम करना बहुत मुश्किल है या फिर इनको उसी वक्त जैसे ही पहली बारिश आती है वैसे ही इनकी खुदाई कर दी जाए या जब मानसून आने वाला होता है उससे पहले इसकी खुदाई कर दी जाए क्योंकि गीली मिट्टी में काम करना बहुत मुश्किल है. रेड एंड येलो सॉइल्स. रेड सॉइल डेवलप ओनली ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू. रेड सॉइल आपको ज्यादातर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में मिल जाएगी और ये ज्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू के.
yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the middle Ganga plain and along the pavement zone of the western Ghats. Red soil or yellow soil आपको उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, या फिर जो है मिडिल गंगा प्लेन के जो सदर्न पार्ट्स है वहां पर, या फिर जो पेवमेंट जोन है वेस्टर्न घाट का वहां मिल जाएगी. These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron and crystalline and metamorphic rocks. अब ये जो soil है इसका red color कहां से आता है कि जो iron है वो क्या कहते हैं डिफ्यूज हो जाती है crystalline और metamorphic rocks के अंदर, जिसकी वजह से red color हो जाता है soil का. It looks yellow when it occurs in the hydrated form. और ये जो है जब hydrated form में होती है तब क्या कहते हैं इसका color yellow हो जाता है. मतलब जब ये जो है नमी सोख लेती है तब इसका color एक तरह से yellow हो जाता है. अब इसके बाद आती है next laterite soil. Laterite soil क्या होती है? Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. Laterite जो है हमें word Latin word से मिला है later, जिसका मतलब होता है कि ईंट यानी brick. The laterite soil developed in areas with high temperature and heavy rainfall. ये laterite soil आपको उन इलाकों में मिल जाएगी जहाँ temperature बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जो है rainfall होता है यानी बारिश होती है. This is the result of the intense leaking due to the heavy rain. और ये जो है basically जो इतनी ज्यादा leaching होती है बरसात की वजह से, उसकी वजह से soil ऐसी हो जाती है. Humus content of the soil is low because of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to the high temperature. ये जो humus है content soil का, ये जो है बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि जो microorganisms होते हैं खासतौर से जो decompose करते हैं soil को, जैसे कि bacteria हैं, वो खत्म हो जाते हैं जब इतना ज्यादा temperature ज्यादा बढ़ा हुआ होता है. Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Laterite soil का इस्तेमाल तभी हम cultivation के लिए कर सकते हैं तब उसमें बहुत अच्छे से खाद और fertilizer पड़े. These soils are mainly found in the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. ज्यादातर इस तरह की soil आपको Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh या फिर कहते हैं जो hilly areas है Odisha और Assam के वहां मिल जाएगी. After adopting appropriate soil reservation techniques, particularly the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. जब प्रॉपर जो है टेक्निक्स लगाई गई सॉइल कंजर्वेशन की, खासतौर से जो हिली एरियाज है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के, तो ये सॉइल जो है बहुत अच्छी और यूजफुल साबित हुई है टी और कॉफी को उगाने में. रेड लेटर सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशमेयर. जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला में, ये काफी हद तक सुटेबल है उन क्रॉप्स के लिए जैसे कि कैशमेयर है, उसको उगाने में ये काफी हद तक असरदार साबित हुई है.